Hello, children. Today we are going to read a poem from Class 5 English NCERT textbook. It's from Unit 1. Name of the poem is Malu Bhalu. Let's begin reading it. So, Malu Bhalu is a poem about a polar bear. Do you know what a polar bear is? This is the picture of polar bears. They live in the icy lands. जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ होती है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पर पोलर बेर्स रहते हैं पोलर बेयर्स आर फाउंड इन फ्रोज़न वाइल्ड्स ऑफ दी, दी आर्कटिक इन कैनेडा अलास्का ग्रीनलैंड, रशिया एंड नॉर्वे वर्ल्ड में पोलर बेर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं फ्रोज़न लैंड्स ऑफ आर्कटिक मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ये बर्फीले इलाक़ों में मिलते हैं इन दी कंट्रीज़ कैनेडा अलास्का ग्रीनलैंड रशिया एंड नॉर्वे दीज आर वेरी बिग बेयरस अडल्ट पोलर बेयर कैन मेजर ओवर टू पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग एंड वे अराउंड सिक्स एटी के जी बेर्स बहुत बड़े होते हैं साइज़ में इनका साइज़ टू पॉइंट फाइव मीटर लंबा हो सकता है और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है यानी कि बहुत भारी भरकम होते हैं एक जो अडल्ट पोलर बेयर होता है उसका वेट अराउंड सिक्स एटी के हो सकता है देयर ह्यूज साइज एंड वेट मेक देम द लार्जेस्ट लिविंग कार्निवोर्स दैट मीन्स मीट ईटर्स ऑन अर्थ इनका इतना बड़ा साइज और इतना ज़्यादा वेट जो है इसकी वजह से ये अर्थ पे लार्जेस्ट लिविंग कार्निवोर्स है कार्निवोर्स मीन्स दोज एनिमल्स विच कैन ईट मीट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मीट खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं पोलर बेर इज अ कार्निवोर। नाउ लेट्स रीड द पोएम हाई अप इन एन आईसी लेर लिव्ड अ लिटिल पोलर बेर स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन मालू भालू was her name. So सो was a अ bear, बेयर polar bear, where वेयर हाई अप इन icy layer. Layer मतलब जहाँ पर एनिमल्स लेटते हैं रेस्ट करते हैं उस जगह को layer कहते हैं तो मालू भालू जो पोलर bear है उसका जो layer है वो बहुत icy है यानी कि बर्फीला है स्नो वाइट स्नो ब्राइट her मेन बहुत से एनिमल्स आप देखते हैं उनके गर्दन पर बाल होते हैं उसको हम मेन कहते हैं तो पोलर बेर का जो मेन है दैट वॉज स्नो वाइट एंड स्नो ब्राइट स्नो की तरह वाइट और स्नो की तरह ही ब्राइट उसका मेन था एंड हर नेम वॉज मालू भालू इस पोलर बेर का क्या नाम था मालू भालू वेरी सून आर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल सो सून मालू भालू वॉज लर्निंग द थिंग्स दैट हेरेंट्स न्यू लाइक कैचिंग फिश मालू वॉज अ वेरी क्लेवर पोल बेर अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था पोलर बेर्स कार्निवोर्स होते हैं दे ईट मीट ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये जहाँ बर्फीले इलाकों में रहते हैं वहाँ पर बर्फ के नीचे पानी में फिशेज इनको मिल जाती है तो ये फिश पकड़ के खाते हैं सो मालू भालू ऑल्सो लर्न हाउ टू कैच फिश बिग फिश एंड स्मॉल फिश मालू सेट टू हर मदर वन डे मा आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले आई वॉन्ट टू सी दी थिंग्स दैट लाई देर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई सो वन डे मालू said टू हर मदर दैट आई want टू गो फार अवे टू प्ले आई want टू थिंग्स beyond the बिग ब्लू स्काई मतलब कि मालू ने अपनी मदर को बताया कि वो बहुत दूर खेलने जा रही है उसको बहुत सी चीज़ें देखनी है जो आसमान के भी पार है मतलब मालू भालू बहुत दूर जाना चाहती थी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती थी अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड माम इन दमर वन नेक्स्ट इट कम्स समर पेशेंस वॉटर टेस्ट मालू सिंपली कु नॉट रेस्ट तो उसकी मदर ने कहा कि थोड़ा पेशेंस रखो मतलब थोड़ा धैर्य रखो नेक्स्ट टाइम जब समर आएगी तब तो मालू को तो पता ही नहीं है समर क्या है पेशेंस क्या है क्योंकि मालू बहुत रेस्टलेस थी उसे बहुत जल्दी थी दुनिया देखने की First things first, Malu's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm. Now, my dear, you'll have to swim. तो मालू की मदर ने कहा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत पहले है वो तुम्हें पहले सीखनी है और ये बोल के उन्होंने मालू को बहुत टाइटली हक कर लिया अपनी आर्म्स में उसको क्लास्प कर लिया और बहुत आराम से उसको समझाया कि सबसे पहले तुम्हें स्विमिंग सीखनी है क्योंकि ये लोग बर्फीले इलाकों में रहते हैं ना वहाँ बर्फ भी होती है और पानी भी होता है उनको फिशेस कैच करनी होती है तो स्विमिंग तो पोलर बेर को आनी ही चाहिए बट माँ सेड मालू लू वॉट डू आई नो हाउ विल आई आई नेवर स्वम बिफोर डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर डू एज़ आई डू दैट्स ऑल शी एडवाइज हर लेकिन मालू को तो स्विमिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो उसे लगा हाउ वे आई कि मैं कैसे करूँगी ये आई हैव नेवर स्वम बिफोर स्वम इज दास्ट टेंस ऑफ स्विम तो मालू का कहना था कि उसने तो पहले कभी स्विमिंग की ही नहीं है तो उस पर उसकी मदर ने समझाया दैट डोंट वरी चिंता करने की कोई बात नहीं है जैसा मैं करती हूं डू एस आई डू सिर्फ यही करना है शी हैड नो चॉइस नो अदर वे मालू हैड टू स्विम दैट डे टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इन टू दॉटर स्प्लैश टू लैंड तो मालू के पास कोई चॉइस थी नहीं कोई बचने का रास्ता था ही नहीं उस दिन तो उसे स्विमिंग करनी ही थी तो उसने बहुत टाइटली अपनी मदर का हैंड पकड़ लिया और वो पानी में कूद गए ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर डाउट एंड शी लेफ्ट बिहाइंड मालू स्वैम विद ऑल हर माइट इट डेंट मैटर रॉन्ग और राइट तो मालू की मदर जो है वो बहुत ब्रेव है और उन्हीं की तरह मालू भी ब्रेव है उनकी बेटी भी ब्रेव है उसने सारे डाउट्स और फियर्स को पीछे छोड़ दिया और पूरी हिम्मत के साथ स्विमिंग की मालू स्वैम विद ऑल हर माइट इट डेंट मैटर रॉन्ग और राइट कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सही कर रही थी या गलत लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी हिम्मत के साथ स्विमिंग की बट स्विमिंग केम्स ओ नेचुरली हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी फियरलेस वॉज मालू दिस सी न्यू नॉट जस्ट प्रे बट स्पेशल टू और धीरे धीरे स्विमिंग उसको नेचुरली आ गई कि जैसे उसको आती ही है अच्छे से और ये उसकी मदर को पता था और सब आराम से देख सकते थे क्योंकि मालू बहुत अच्छे से स्विमिंग कर रही थी एंड शी वॉज वेरी फियरलेस मतलब उस वो डरी नहीं she was brave and she was special now let's look at the new words from this poem first new word is lair i have already told you its meaning it is wild animals lying place wild animal jahan lette hain rest karte hai, that place is called lair for example this tiger is Resting in his lair. Mane. Mane means long hair on the neck of some animals. These long hair are called mane. Clasp. Can you see this picture? In this picture, the mother is clasping the baby. मीनिंग इज इन सर्कल होल्ड क्लोजली कि बहुत क्लोजली पकड़ लेना माइट माइट मीन्स ग्रेट स्ट्रेंथ मतलब पूरी ताकत के साथ नाउ रिसाइड दिस पोईम योर सेल्फ एंड रिवाइज इट्स न्यू बर्थ थैंक यू एंड हैवे अस डे